हाँ तो भाई स्वागत है नए एपिसोड में आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है रविंदर कुमार जी जो कि यूक्रेन में रह के आए हैं पूरे पाँच साल और जो यूक्रेन रशिया की जो वॉर थी उन्होंने पूरी एक्सपीरियंस करी है जो एक साल पहले हुई थी अराउंड फेब मार्च में और इनके पास वहाँ की इनफैक्ट पी आर बी है इन्होंने बताया फिलहाल ये रह रही है देहरादून में इनकी वाइफ यूक्रेनियन है ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इनकी वाइफ यूक्रेनियन है और तो आज हम जानने वाले हैं इनका पूरा एक्सपीरियंस कैसा था क्या ग्राउंड रियलिटी थी वहाँ पर जब वॉर चल रही थी और आप वहाँ से कैसे निकल कर आए पर थोड़ा स्टार्टिंग से जानते हैं इनकी कि आप यूक्रेन से पहले कहाँ थे फिर यूक्रेन में कब गए मैं कह रहा हूँ सीधा आप यूक्रेन की लाइफ कंट्री की बात करते हैं यूक्रेन एज अ कंट्री के बारे में थोड़ा बताओ भाई कैसे लोग हैं वहाँ पे और क्या कल्चर है इंडिया से कितना डिफरेंट है एक्चुअली वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं सीरियसली मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे जब मैं वहाँ पहली बार गया था तो मैं जब पहली बार गया था एक्चुअली इसके पीछे भी एक काफ़ी अच्छी स्टोरी है इंटरेस्टिंग स्टोरी है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा तो स्टोरी ये है कि मैं उससे पहले दुबई में था तो दुबई में मैं एयरपोर्ट पे जॉब करता था बेसिकली मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो एज़ यू नो दैट हम लोग गोल्फ को और यूरोपियन कंट्रीज़ को हम लोग जाते हैं थोड़ा पैसा कमाने राइट राइट तो मैं भी इसी लिए वहाँ गया था तो छः महीने सात महीने मैंने जॉब करी देन मेरा प्रमोशन हुआ एंड तो मेरे को एक अच्छी डेजिग्नेशन मिली फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरी एयरपोर्ट पर ड्यूटी थी तो कोइंसिडेंस की बात है कि नताशा जो कि मेरी वाइफ है राइट तो वो उस टाइम पे एक टीचर थी यूक्रेन में गवर्नमेंट टीचर थी तो वो अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप को लेके दुबई घूमने के लिए आए थे तो ईयरली उनकी ट्रिप्स होती है तो इस बार वो दुबई आए थे तो मैं वहाँ पर ड्यूटी पर था तो क्या हुआ कि कुछ एक स्टूडेंट के एक डॉक्यूमेंट के साथ थोड़ा सा इशू हुआ था तो मैं वहाँ पे ड्यूटी में था तो मेरे को लगा कि हेल्प करनी चाहिए राइट right? बिकॉज़ और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं तो हम एक दायरे में रह के हम उनकी हेल्प कर सकते हैं राइट right? तो वो मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से एंड मैंने कुछ अपने सीनियर से बात करके तो थोड़ा सा इशू सॉल्व किया तो उसके बाद फिर वी स्टार्टेड टॉकिंग हमने बातचीत करनी शुरू करी न वी डिसाइडेड दैट यूक्रेन के लोगों के बारे में जो आपने पूछा अब मैं आपको एक सीरियस बात बताता हूँ जैसे हम लोग यहाँ पे हंसी मजाक करते हैं तो हमारे फ्रेंड्स में चलता है इवन हम अननोन से भी हंसी मजाक कर लेते हैं वहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है आप अगर किसी अननोन से इवन मैं जब खुद अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता था तो मैं जो भी उसको बोलता था शी टुक इट वेरी सीरियसली डैम सीरियसली कि जिसका Uh, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियसली ली एग्जाम्पल देखे बताओ कैसे सीरियसली मतलब <laughs> जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं राइट right? तो आपको पता है हम सब ऐसी बातें करते हैं कि आई एल डू दिस फॉर यू आई डू दैट फॉर यू तो नॉर्मली मैं भी ऐसी बातें करता था राइट यंग एज में हम लोग सब ऐसी बातें करते हैं तो उसने मेरी बातों को इतना ज़्यादा सीरियसली लिया कि जब मैं फर्स्ट टाइम यूक्रेन गया आई गॉट मैरिड तो पे तो प्रेशर नहीं आपका कोई इरादा था नहीं आप बस ऐसे ही कैजुअली मिलने गए ऐसी uh, तो कर uh, शादी करनी करनी है राइट right, बिकॉज मैंने जो बातें बोली उसने उसको बहुत ज्यादा सीरियसली लिया आप तो इंडियन थे बड़े बड़े वादे करने ही <laughs> करने मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा चांद से कूद जाऊंगा चांद तारे ऐसे ऐसे वादे ठोक रखे होंगे आपने तो है बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं हम लोग के के फैन हैं। बट डीप इनसाइड आप शादी करना चाहते तो थे ही बट उस टाइम नहीं चाहते थे हाँ मैं सोच रहा था जैसे हमारा जो इंट्रेक्शन था फोन पे वो काफी लंबे टाइम तक चला लाइक मैं कहूँगा कि तीन महीने तक चला अप्रोक्सीमेटली जो कि एक अच्छा खासा टाइम है किसी को जानने के लिए खास करके जब आप किसी से पर्सनली मिल चुके हों उसके बाद अगर आप तीन महीने तक कॉन्टीन्यूसली आप टच में हो बात कर रहे हो तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आप जान सकते हो अच्छी तरह से राइट right. तो इस बीच हमारी मतलब उसके पेरेंट्स से भी बात हुई एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ओके एवरीथिंग वाज वेरी गुड तो प्लानिंग चल रही थी कि ओके विल गेट मैरी विल गेट मैरी तो फर्स्ट टाइम जब मैं वहाँ गया शी वाज एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर दिस तो मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था मुझे लगता है भाभी को आपका जो हेल्पफुल नेचर है ना वो बहुत पसंद आ गया <laughs> तो उन्हें लगा शादी करूंगी तो इसी बंदे से करूंगी अब मैं भी हो सकता है बट एक्चुअली uh, मेरा नेचर ऐसा ही है मैं अगर किसी अनोह से भी मिलता हूँ देन आई एम ओपन टू हेल्प वट एवर आई कैन डू आई एम ओपन टू हेल्प एंड यही चीज मैंने उस टाइम भी करी तो बिकॉज उनके कंट्री में ये सारी चीज़ें काफ़ी नई हैं अच्छा वहाँ हेल्पफुल नहीं होते हेल्पफुल हैं बट एक लिमिट के अंदर रह के हम लोग कभी कई बार क्या करते हैं कि हम आउट ऑफ द लिमिट जाके भी हेल्प कर देते हैं इमोशनल है थोड़ी इमोशनल है हम लोग वो लोग प्रैक्टिकल ज़्यादा है वो अगर उनको लगता है कि हाँ करना चाहिए तो वो करते हैं अगर उनको लगेगा नहीं करना चाहिए वो नहीं करते एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं एक सुपर में गया था यूक्रेन में राइट एंड मैं और मेरी वाइफ नताशा हम दोनों थे तो मैंने मतलब मेन रोड से सर्विस रोड पे अपनी गाड़ी ली तो फिर क्या हुआ मैंने देखा कि दो लड़के बिकॉज आपको पता है यूक्रेन जो है यूरोपियन यूनियन में नहीं है राइट right? यूरोप में है वो बट यूरोपियन यूनियन में नहीं है तो इस वजह से वहाँ की करेंसी और इंडिया की करेंसी में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो थोड़ी बहुत गरीबी आज भी है अच्छा तो एक दो, दो लड़के थे एक्चुअली वो यंगस्टर्स थे तो वो अपनी कार को धक्का लगा रहे थे लिटरली लाइक like, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि यार देर पुशिंग देर का लेट मी गो एंड लेट मी गो आउट एंड हेल्प देम बिकॉज ये हमारे अंदर है हम किसी को नहीं देख सकते हमारा हमें फ़ील होता है यार कि हमें हेल्प करनी चाहिए तो उसने बोला आर यू मैड इट्स देर बिजनेस दिल डू इट बैट दे मैंने कहा ओके okay, अब वाइफ के सामने तो किसी की भी नहीं चलती <laughs> तो मैंने कहा ठीक है मैंने बस अपने दिल पर पत्थर रखा और उन दोनों को हेल्प करते हुए देखता रहा तो ये एक चीज़ है जैसे हम थोड़ा आउट ऑफ द लिमिट जाके हेल्प कर देते हैं तो ये मेरा नेचर है मैं करता हूँ एंड मेरे को इसमें थोड़ा अच्छा भी लगता है हम सभी करते हैं जब ये वॉर स्टार्ट होने वाली थी इसकी वजह क्या थी ठीक है तो ये हुई क्यों वॉर इसका क्या रीज़न था तो बेसिकली जो इसका वॉर का जो रीज़न था इसमें काफ़ी लंबे टाइम से एक डिस्प्यूट चलता आ रहा था क्रेमिया को लेके ठीक है जिस वजह से बाद में यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट जिसको हम दन स्लूहानस कहते हैं दनबास रीज़न इसमें भी रशिया का इन्फ्लुएंस हुआ मतलब कहते हैं कि रशिया का इन्फ्लुएंस था बट कुछ वहाँ पे सेपरेटिस्ट भी थे तो इस वजह से मतलब इनके आपस में लड़ाई चलती थी जिस वजह से बाद में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जब इलेक्शन हुए तो उन्होंने कहा कि हम यूएस नेटो में जाएंगे मतलब नेटो ज्वाइन करेंगे तो रशिया ने कहा कि अगर आप नेटो ज्वाइन करोगे तो ऑब्वियसली जो यूएस की मिलिट्री है वो रशिया के दरवाजे पे आ जाएगी अब नेटो के रूल्स यू नो आपको पता है अगर किसी एक कंट्री पे आपने अटैक किया हाँ तो पूरे के पूरा नेटो आपको एक साथ जो है आप पे अटैक कर सकता है अब इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो मान लो अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बन जाता है है ना और वहाँ पे अमेरिकन आर्मी आ जाती है रशिया ने एक्चुअली पहले भी बहुत वार्निंग्स दी दी हैं लिथुवनिया को दी थी बट वो बन गया उसके बाद लाटविया को दी थी वो भी बन गया रशिया ने कुछ नहीं किया उस टाइम पे ये रशिया की बहुत अच्छी बात है रशिया चुप रहा रशिया ने कहा ठीक है ठीक है रशिया में पेशेंस है वो एकदम कुछ नहीं करता इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि रशिया ने जो है ना यूक्रेन के बॉर्डर पे मोर देन सिक्स मंथ अपनी मिलिट्री को बिठा के रखा उसने अटैक नहीं किया बिठा के रखा बट जब सिचुएशन उसको लगा कि कुछ आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है तो उसने इस वॉर को एक्चुअली ओपन नहीं किया उसने बोला कि ये एक स्पेशल ऑपरेशन हम यूक्रेन में चला रहे हैं अच्छा। हाँ स्पेशल ऑपरेशन मतलब जैसे यूक्रेन में कुछ हम टेररिस्ट को पकड़ के हम अपनी टेरिटरी में ले जाएंगे या हम उनको मार देंगे इस तरीके से रशिया ने ये स्टार्ट किया बट थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि उनके टैंक्स आए अटैक्स मिसाइल अटैक होने लगे तो उन्होंने फिर ये फुल स्केल इन्वेजन डिक्लेयर कर दिया तो बेसिकली ये रीज़न था तो जो वहाँ के जो सिटीजन थे उनको पहले अलर्ट भी नहीं करा गया था कुछ कमांड कुछ नहीं दी गई थी ये जो इनका अलर्ट था वो काफ़ी टाइम से चल रहा था क्योंकि ऑब्वियसली जब बॉर्डर पे इतनी बड़ी ह्यूज एक मिलिट्री इकट्ठी होती है तो लोगों को पता था कि तो आम जनता न्यू की कुछ तो होने वाला या हो सकता है हो सकता किसी भी टाइम बिल्कुल बट उनको इतना ज़्यादा नहीं पता था सब लोग यही सोच रहे थे कि अगर होगा भी तो मे बी बॉर्डर एरिया में हो जाएगा थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्योंकि ये थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी पहले से चला आ रहा है तो ये सीन था तो आप उस वॉर के टाइम पर आपने क्या क्या फेस करा आप कहीं फंसे हुए थे क्योंकि ऐसा होता है ना कि बहुत से जो इंडियंस वहाँ पे थे उनको एक जगह एक बंकर में डाला गया था बचाने के लिए बिल्कुल और इनफैक्ट अगर आप अगर बता सको कि बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स थे जो वहाँ पे आ, पढ़ने जाते हैं मेडिकल करने जाते हैं किफ में खारिव में तो उनके लिए कितना डिफिकल्ट रहा था बच्चों के लिए निकल रहा क्योंकि आप यू हैड पी आर देयर राइट तो आपके लिए तो थोड़ी चीज़ें वो रही होंगी मतलब ईजी एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट्स क्योंकि वो लोग तो सिर्फ पढ़ने गए हैं वहाँ पर तो क्या सिचुएशन थी थोड़ा बताओ उस बारे में सिचुएशन ये थी कि जब वॉर स्टार्ट हो गई तो एक्चुअली इंडियन एम्बेसी ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम करा इंडियन एम्बेसी ने अपनी एडवाइजरीज फेसबुक पेजेस के जरिए वेबसाइट के ज़रिए जितने भी इंडियंस हैं सबको अपनी एडवाइज़री दे रहे थे वो कि जो भी इंडियंस हैं यूक्रेन में थोड़ा अलर्ट रहो राइट और जब इन्वेजन होने वाला था तो उस टाइम पे सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही थी क्योंकि लोग सीरियस नहीं थे कि इन्वेजन हो सकता है वो सोच रहे थे कि जस्ट अ मिलिट्री प्रैक्टिस की थोड़े टाइम बाद हट जाएगा लोग बहुत एकदम चिल थे सब लोग तो जब थोड़ा थोड़ा क्या हुआ कुछ चीज़ें ऐसी होने लगी जैसे कि अमेरिका ने अपनी एम्बेसी शिफ्ट कर दी कैनेडा ने अपनी एम्बेसी शिफ्ट कर दी काफ़ी बड़े देशों ने अपनी एम्बेसी कीव से हटा के शिफ्ट कर दी तो ये चीज़ कहीं ना कहीं क्लिक करने वाली है एम्बेसी शिफ्ट करना इट सेल्फ इट्स अ वेरी बिग स्टेप तो फिर क्या हुआ इंडियन एम्बेसी ने इंडियन सिटीजन्स के लिए एक एडवाइजरी जारी करी जितने भी इंडियंस यूक्रेन की टेरिटरी के अंदर हैं अगर उनका कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो टेम्परेरी बेसिस पे यूक्रेन की टेरिटरी को अभी एग्जिट कर दो ये एग्जैक्ट उसमें लिखा हुआ था अच्छा जितने भी इंडियंस हैं डजेंट मैटर स्टूडेंट मैरिड पी होल्डर टी होल्डर डजेंट मैटर जितने भी इंडियंस हैं और एग्ज़िट करने का क्या वो थी उस टाइम पे फ्लाइट थी हाँ उस टाइम पे फ़्लाइट थी क्योंकि उस टाइम वॉर स्टार्ट नहीं हुई थी hmm. उस टाइम पे ये एक एड़, एड़, आ, हमारी एडवाइजरी थी एम्बेसी की तरफ से क्योंकि ये तो बहुत हाई लेवल की चीज़ें होती है इनको कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत खोती ही है इन्फॉर्मेशन हाँ। तो उस टाइम पे काफ़ी सारे लोग यूक्रेन से बाहर गए स्टूडेंट्स जो फंसे वहाँ पे उनका एक बहुत ही जेनविन रीज़न था स्टूडेंट्स अब मान लीजिए मैं थर्ड ईयर का मेडिकल स्टूडेंट हूँ राइट दो साल मैंने पास करें तीसरा साल मेरे को पास करना है तब मेरी डिग्री मिलेगी आई थिंक चार साल का होता है शायद मेडिकल तो फाइनल ईयर में अगर मैं हूँ तो मेरे को अपनी डिग्री लेनी है थर्ड ईयर में अगर हूँ तो मेरे को फोर्थ अपना जो फाइनल्स है वो कम्प्लीट करना है अब यूक्रेन यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही थी कि स्टूडेंट्स ने अपनी डिमांड करी आप हमारी एजुकेशन ऑनलाइन कर दो यूनिवर्सिटीज़ इतनी जल्दी एक्शन में नहीं आई स्टूडेंट्स को रुकना पड़ा इधर वॉर स्टार्ट हो गई अब यू स्टूडेंट्स फंस गए वो कुछ नहीं कर पा रहे थे वो उस टाइम पे एम्बेसी ने इनकी बहुत हेल्प करी अपनी स्पेशल जो है फ़ोन नंबर्स निकाले और अगर कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उन फ़ोन नंबर्स पे कांटेक्ट करने के लिए कहा बहुत हेल्प करी और उसके बाद फिर लेकिन हर एक को पर्सनली एम्बेसी जाके अप्रोच नहीं कर सकती है अगर मेरा कोई इशू है मैं एमबीसी जाऊंगा एमबीसी मेरे पास नहीं आएगी और अगर वहाँ पे वॉर चल रही है तो वहाँ से एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना भी बहुत डिफिकल्ट है स्पेशली जब वहाँ कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है बसें बंद हो गई मेट्रोस बंद हो गई ट्रांसपोर्ट सारे ठप हो गए और कॉल्स भी कॉल्स मिल रहे थे हाँ कॉल्स और इंटरनेट चल रहा था बट ट्रांसपोर्ट पूरा ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया था जिसके पास अपनी कार्स हैं बस वो जा रहे हैं अदरवाइज़ वो भी नहीं जा रहे और क्या ऐसी सिचुएशन थी कि कहीं भी आप चल रहे हो कुछ भी बम मिसाइल गिर सकती है वहाँ पे स्टार्टिंग में तो थोड़ा डर था लेकिन जब जैसे मैंने बताया अभी कि पहले यू रशिया ने कहा कि ये एक हम मिलिट्री प्रैक्टिस हैं ठीक है थीके? उसके बाद जब ये फुल स्केल इन्वेशन डिक्लेयर हो गया तो उस टाइम पर सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि आप घर में भी अगर हो आपके आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये डर है कि मिसाइल गिर सकती है और सिर्फ मिसाइल ही नहीं एक चीज़ और हुई वहाँ पर जो शायद हम लोग नहीं जानते कुछ रेबल ग्रुप्स यूक्रेन की टेरिटरी के अंदर आ गए थे जैसे आपने सुना होगा रशिया ने अपनी मिलिट्री दूसरे कंट्रीज से बुला के यूक्रेन में तैनात करी ऐसे ही कुछ रशिया के आई थिंक प्रिजनर्स थे वो लोग अच्छा जिसको रशिया ने यूक्रेन की टेरिटरी में छोड़ दिया था एंड दे वर डूइंग सच हार्श क्राइम की मतलब छोटे छोटे बच्चों को यू you नो know, इस तरीके से तो मैंने कुछ वीडियोस भी देखे हैं जहाँ पे यूक्रेनियन लोगों ने ऐसे किसी बंदे को पकड़ रखा है और आ, सड़क पे एक इलेक्ट्रिसिटी पोल के साथ बांध रखा है एंड द बीटिंग हिम ऐसी एक सिचुएशन भी आई थी ना कि मतलब कह रहे थे कि जो यूक्रेन के जो प्रेजिडेंट हैं वो खुद जैकेट पहन जैकेट पहन के, में के वो और वो, वो खुद फील्ड पर आके ड्यूरिंग द वॉर वो थे ऐसा था हाँ ऐसा था इवन अगर आप आज भी उनके इंटरव्यूज देखोगे ही इज ऑलवेज वेयरिंग अ मिलिट्री जैकेट इज़ लाइक प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज़ अ वॉरियर वो ख़ुद को एक वॉरियर की तरह प्रेजेंट करते हैं और आई थिंक कहीं ना कहीं ये चीज़ ठीक है अपने देश का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए अच्छी बात है अपने जवानों के साथ खड़े होना और उनका मोटिवेशन बढ़ाना कहीं ना कहीं अच्छी बात है लेकिन वॉर पे अगर प्रेजिडेंट लड़ने जाएगा वो चीज़ गलत है सो आई डोंट थिंक कि वो गए थे उत्साह बढ़ाने के लिए अगर गए हैं तो वो चीज़ हम कंसिडर कर सकते हैं जैसे हमारे यहाँ भी होता है जैसे बॉर्डर पे हमारे लीडर्स जाते हैं अपने सिपाहियों सिपाहियों प्रोत्साहन करते हैं उनसे मिलते हैं तो भाई ये बताओ कि जब आपको पता चला वॉर का तो आप कैसे निकले आपने फ्लाइट ली इजीली मिल गई थी या हैसल था कुछ क्या और था? आप खुद कितने दिन तक स्टक थे वहाँ पे मैं एक्चुअली जब इंडिया ने आई मीन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी करी थी तो मैं उन कुछ लकी लोगों में से अपने आप को कंसिडर करूँगा क्योंकि मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी वाइफ थी राइट मेरे को अपने से पहले उसके बारे में सोचना है तो और मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशंस भी थी कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद होने वाली है यूक्रेन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद होने का मतलब है डेथ इतना ठंडा है अगर आप विंटर में हैं वहाँ पे और फरवरी जो फेबररी जो मंथ होता है वो बहुत ठंडा होता है इवन अप्रैल के मिड तक आपको वहाँ पे जो है ना स्नो मिलेगी बहुत ठंडा होता है अब इस टाइम पे अगर इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी तो घरों के अंदर हीटिंग बंद हो जाएगी ठीक है हीटिंग बंद हो जाएगी तो आप कितनी देर खुद को ब्लैंकेट में रखोगे कुछ लेने भी जाना है माइनस फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी ऐसा टेम्परेचर है सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है तो उस टाइम पे मैंने क्या किया मैंने अपनी वाइफ को बोला मैंने कहा लेट्स गो टू इंडिया हमारे पास तीन दिन का टाइम था ठीक है तो तीन दिन में हमें सारे अरेंजमेंट करने थे उनको यहाँ का वीज़ा चाहिए होता है वहाँ के सिटीजन्स को हाँ ई वीज़ा बट वो लेना बहुत ईजी है इवन हमें एम्बेसी जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती अच्छा हाँ सिर्फ़ इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे अपने पासपोर्ट की डिटेल्स डालो ऑनलाइन पे कर दो एंड वो आपको वीज़ा दे देते हैं तुरंत ही आ जाता है कुछ टाइम लगता है लगभग चौबीस घंटे का एक टैट है उनका बट वो बहुत जल्दी आ जाता है अगर जैसे हम अपने मैरिज के सर्टिफिकेट्स वहाँ पर अटैच करके भेज देते हैं तो वो बहुत जल्दी अप्रूव हो जाता है और क्योंकि ऐसा भी है कि जो मेरी वाइफ है नताशा वो फर्स्ट टाइम नहीं था उसका ये इंडिया में अच्छा। इससे पहले भी वो इंडिया आई है तो जैसे मैंने बताया था कि मैंने पहली बार जाके वहाँ पे शादी कर ली थी तो माई पेरेंट्स वर शॉक लाइक हमें बताया भी नहीं <laughs> तो अच्छा आप एक बार लाए थे उन्हें इंडिया अपनी फैमिली से मिलाने हाँ शादी के बाद अच्छा हाँ तो जब मैं वहाँ से इंडिया आ गया था आई टोल्ड टू माई पेरेंट्स लाइक आई गॉट मैरिड तो दे वर शॉकड बट उन्होंने कहा ठीक है इट्स ओके लाइक उसको एक बार यहाँ भी बुला मेरे पापा के वर्ड्स थे हाँ। उसको यहाँ बुला दोबारा शादी कर <laughs> फिर से हुई आई डिड इट दोबारा हुई <laughs> अपने कल्चर के हिसाब से अपने रीति रिवाज के हिसाब से भाई थोड़ा यूक्रेनियन लोगों के बारे में बताओ कैसे लोग होते हैं जब वॉर नहीं थी तो कैसे कंट्री है कि वैजा सिटी कैसी सिटी है पार्टीज थोड़ा वैसे लोग कैसे हैंग आउट करते हैं क्या चलता है लोगों की दिनचर्या क्या होती है थोड़ा बताओ लोगों की दिनचर्या वहाँ पे बेसिकली क्या है ना दो चीज़ पर डिपेंड करती है एक है मतलब समर और विंटर अच्छा विंटर में वो लोग इंडोर एक्टिविटीज ज़्यादा करते हैं जैसे गेट टुगेदर हो गई क्लबिंग हो गई क्लब्स हैं वहाँ नाइट क्लब्स बढ़िया नाइट है। क्लब्स पार्टी बढ़िया पार्टी, पार्टी, पार्टी होती, है। होती है सब कुछ इवन आपको रोड पे चलते चलते इतने बड़े बड़े उसके पोस्टर्स मिल जाएंगे कम टू दिस क्लब कम टू दिस क्लब लाइक मतलब वो चीज वो अपील करते हैं खुद की आओ हमारे पास आप करते थे पार्टी मैं करता था लाइक आई यूस टू डू पार्टी विद माई वाइफ तो कैसी होती है वहां के कुछ बताओ मतलब पागल हो जाते हैं दारू पी के या क्या 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 करते हैं दे दे ड्रिंक ड्रिंक सीरियसली एंड सबसे फेवरेट क्या? विस्की बियर वोड़ का? वोड़। अच्छा, का. का. और वहाँ की एक स्पेशलिटी है ना कल्याण कहते हैं वहाँ पे बहुत चलता है अरेबिक लोग करते हैं जैसे टर्किश हो गए और इजिप्शियन हो गए तो ये लोग वहाँ आते हैं इनको देख देख के यूक्रेनियंस आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस वो भी करना शुरू कर दिया जैसे और इंडियन कल्चर की आपने बात करी तो इंडियंस की वहाँ पे लिटरली बहुत रिस्पेक्ट है अच्छा बहुत रिस्पेक्ट है बिकॉज़ यूक्रेन का जो कल्चर है ना ये कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है अच्छा। मैं एक दिन की बात है मैं जा रहा था मतलब मैंने एक लेडी को देखा शी वॉज़ वेरिंग साड़ी कानों में ईयर रिंग्स माथे पे टीका और सिर पर पल्लू अच्छा एंड आई वॉज शॉक लाइक शी इज़ यूक्रेन इन वट शी डूइंग इन इंडियन अटायर तो मेरे को एक थोड़ा शौक था बिकॉज मैं वहाँ पर ज़्यादा पुराना नहीं था तो मेरे को एक ये चीज़ बहुत नई देखने को मिली और एक बहुत ही इम्प्रेसिव चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि मेरी वाइफ करती थी शी वॉज़ लर्निंग इंडियन डांस अच्छा इंडियन डांस यूक्रेन की एक यूनिवर्सिटी है तो उस यूनिवर्सिटीज़ में उस यूनिवर्सिटी में मतलब काफ़ी सारी चीज़ें डांस और अलग अलग कल्चर की नॉलेज आपको देते हैं तो शी वॉज अ लर्नर ऑफ इंडियन डांस इंडिया का जो हमारा कथक क्लासिकल डांस है वो वो सीखती थी एंड इट इज लाइक आई वॉज़ सो मच सरप्राइज मैं बहुत सरप्राइज हुआ इस चीज़ को देख के एंड एक कोइंसिडेंस की बात है कि जब वो स्कूल में थी उसके बाद जैसे जैसे मतलब क्लासेस पास करी तो उसके बाद एक ऑप्शन आता है कि जब आपको चूज करने पड़ते हैं सब्जेक्ट तो उसको ऑप्शन था चाइनीज या हिंदी का तो उसने हिंदी पढ़ी थी अच्छा ये अच्छा वहाँ पे हिंदी सिखाते, है, हिंदी सिखाते हैं इंडियन डांस सिखाते हैं और तो नई चीज़ है सीरियसली इंडियन डांस सिखाते हैं हिंदी सिखाते हैं और इवन कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं अच्छा हाँ और एक चीज और जैसे हमारे आ, जो हमारे हम टेम्पल्स होते हैं क्या बोलते हैं एस्कॉन 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 टेम्पल तो वो लोग भी वहाँ पे बहुत हैं बहुत हैं एक बहुत बड़ा एस्कॉन टेम्पल है अच्छा। कीव में भाई वहाँ पे क्राइम भी होता है कंट्री में क्राइम रेट कैसा है क्राइम रेट बहुत कम है होता है लेकिन बहुत कम होता है जैसे अगर हम थोड़ा आउटस्कर्ट्स में जाएँ तो वहाँ पे आपको लोग जो हैं बहुत ही सीधे साधे से लोग मिलते हैं हाँ अगर आप उनको नहीं भी जानते वो आपको चाय ऑफ़र करेंगे बिकॉज उन्होंने उनके लिए जैसे हमारी हमारा जो स्किन हमारी हमारा जो रेस है वो थोड़ा डार्कर है है ना हम हम लोग को रेड इंडियंस कहते हैं और उनका वाइट है तो जब वो लोग हम जैसे हम लोगों को देखते हैं दे आर सो मच लाइक इम्प्रेस सीरियसली मैं एक बार की बात है एक ट्रेन में जा रहा था एक छोटा सा बच्चा Brown, we're brown, we're Haan, sirf Why, yaar, मैंने पांच साल की अपनी यूक्रेन में मैंने जो पांच साल का पीरियड बिताया उस पाँच साल में मेरे साथ सिर्फ एक इंसिडेंट हुआ था जब मैं एक जेबरा क्रॉसिंग को क्रॉस करा था एंड आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ लाइक वॉकिंग रूल्स तो मेरे को नहीं आइडिया था तो मैं वहाँ पे सिग्नल पे खड़ा हुआ था मतलब क्रॉसिंग का सिग्नल रेड था तो उस टाइम पे एक बंदा आया ही लाइक सो सो मच मच हैड मसल एंड हाँ उसने मेरे को थोड़ा पुश किया इंटेंशनली या अन इंटेंशनली जैसे भी था तो वो चीज मेरे को एक थोड़ी सी फील हुई उसके अलावा पाँच साल में मैंने कभी ऐसा कोई रेसिज्म फील नहीं किया पर वहाँ वॉकिंग रूल है क्या हो? क्या वॉकिंग रूल है किस हिसाब से चलना होता है रूल है क्या प्रॉपर नहीं मतलब जैसे अगर हम कोई मेन स्ट्रीट क्रॉस कर रहे हैं तो सिग्नल है ट्रैफिक है ना अगर हमें रोड क्रॉस करनी है हमें बटन दबाना है, है वो सिग्नल रेड हो जाएगा तब आप रोड क्रॉस करेंगे इस तरीके के लाइक जैसे यूरोप में है बिल्कुल सेम वही चीज़ फॉलो होती है इवन रोड की साइड भी हम लोग इस साइड चलते हैं वो लोग इस साइड चलते हैं इंडिया की तरह नहीं हाथ दे दिया अपना चलो सिस्टम नहीं है अच्छा भाई अगर कोई यूक्रेन जाने की प्लान कर रहा है तो आप कुछ जगह ऐसी बताओ कि हाँ जहाँ पे जाना चाहिए जो अट्रैक्शन है वहाँ की यूक्रेन में आप लेटरली कहीं भी चले जाओ यू विल फील डिफरेंट यूक्रेन में एक जगह पड़ती है ट्रांसकपाशन माउंटेन ठीक है इतनी यूनिक इतनी अल्टीमेट जगह है कि अगर आप ट्रैवल करोगे यू विल फील लाइक यू आर समवेयर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड अच्छा बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड जैसा व्यू है छोटी छोटी घास लंबे लंबे पहाड़ मतलब इतने ऊंचे पहाड़ नहीं लाइक हिल टाइप के पहाड़ हैं और क्रिसमस ट्री लगे हुए हैं क्रिसमस ट्री के जंगल पूरे अच्छा। और उन पेड़ों में से एक अलग ही अरोमा एक अलग ही खुशबू आती है जब आप जाओगे कभी जंगल में ऐसी अकेले थोड़ा वॉक करने के लिए आप एक अलग ही वर्ल्ड में आ जाओगे मतलब एक ऐसी फीलिंग आती है वहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब आती है और नेच, नेचर की अगर बात करें तो वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं बहुत सारे झरने पहाड़ पर्वत सब कुछ है इवन समंदर है और जैसे एक सब ट्रॉपिकल रीजन है पूरा प्लेन इलाका है हर चीज़ है लाइक एनी थिंग यू कैन इमेजिन इट्स देयर और लैंग्वेज क्या चलती है वहाँ रशियन हाँ मोस्टली लोग रशियन ज़्यादा बोलते हैं बट इंग्लिश इंग्लिश बहुत ही कम बोलते यूक्रेन की नेटिव लैंग्वेज भी? यूक्रेनियन यूक्रेनियन हाँ लेकिन वो वॉर से पहले लोग काफ़ी कम बोलते थे अच्छा हाँ काफ़ी कम मतलब अगर मोस्टली कुछ बात करनी होती थी इवन मेरी वाइफ भी जब उनके पेरेंट्स से बात करती है तो मोस्टली दे यूज टू स्पीक रशियन लोग रशियन में बात करते हैं <laughs> इसका एक रीज़न भी है बहुत ही अच्छा लॉजिक है रशियन में जैसे हम बोलेंगे कम हेयर तो उसको बोलेंगे इजीशुदा ऐसी समथिंग लाइक दिस बहुत डिफिकल्ट है उसका जो क्या कर दिया भाई आपने ठीक है ठीक है आपको तो ऐसा पूरी आ गई होगी अब आ, मेरे को लगभग लिखनी पढ़नी पूरी आती है समझ लेता हूँ मैं 50 परसेंट और बोल लेता हूँ मैं 30 परसेंट कोई रशियन गाली सूखा ब्लैक सूखा ब्लैक 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 मतलब भी बता दो उसका अच्छा भाई वहाँ के उसका बताओ स्ट्रिप क्लब वगैरह गए हो हाँ, आप मैं गया नहीं हूँ बटो है नहीं क्योंकि मैं अगर मैं मैरिड हूँ तो इसलिए मैं ऑब्वियसली मैं गया तो नहीं आपका कोई फ्रेंड गया उसने एक्सपीरियंस बताया हो हाँ मेरा एक फ्रेंड था वो इंडियन ही था तो उसने मेरे को बताया था एक्चुअली एक मैं सुपर में उससे मिला था को था मैं उससे मिला तो फिर एक दिन उसने मैं पर्सनली मिला उससे तो उसने मेरे को बताया कि लाइक वो एक स्ट्रिप क्लब में गया एंड uh, मतलब वाइट गर्ल्स सिक्स फीट टॉल विद लाइक स्टनिंग बॉडी वो खुद आके उसको अप्रोच करती है एंड बहुत ही नॉमिनल फीस चार्ज करती है एंड यू कैन हैव अ प्राइवेट शो और समथिंग राइट और ये बहुत ज़्यादा तादाद में या वैसे कम कम जगह पर या मेन स्ट्रीट्स में, में ओपनली सबको पता है कल्चर में मतलब जैसे होता है ना जैसे स्ट्रिप क्लब है तो एक स्पेसिफिक एरिया में होगा वो पार्टी हब हाँ है कई बार ऐसा होता है मेन सिटी में मेन स्ट्रीट्स पे स्ट्रिप क्लब होते हैं थाईलैंड जैसी जगह पे कि सब कोई भी एक्सेस कर ले तो वहाँ पे कैसा है वहाँ पे लाइक like, ऐसा नहीं है कि एक पूरी पूरा एरिया ही डेडिकेटेड है जैसे थाईलैंड में पूरा वो है यूक्रेन में है बट ऐसा नहीं है पर्टिकुलर जगह है जैसे कीव हो गया कैपिटल है वहाँ पर है इसकी इसके बदले इसके अलावा एक ओडेसा है जो जैसे इंडिया का मुंबई है यूक्रेन का ओडेसा है वो सी पोर्ट पर है तो वहाँ पे भी वहाँ पे इवन कीव से भी ज़्यादा है वो मतलब पार्टी हब है वहाँ हाँ, का। बिल्कुल एक पार्टी जैसे हब गोवा हो गया इंडिया का बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पे बहुत पार्टीज होती हैं आपको इवन मैंने एक स्ट्रीट टूर लिया था ओडिसा का तो जो हमारे यहाँ जो जैसे हमारे यहाँ ई रिक्शा टाइप के चलते हैं वहाँ पर काफ़ी बड़ी एक बस चलती है टूर बस हॉप ऑफ बस टाइप पूरी जैसे गोल्फ बस होती है उस टाइप की पूरी ओपन बस तो वो आपको पूरे सिटी में सेंटर में घुमाती है तो आपको वो हर चीज़ दिखाते हैं एक गाइड होता है वो आपको बताता रहता है कि इधर ये है इधर ये है इधर ये, ये है और लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंक हैं बहुत ज़्यादा आप अगर वहाँ पे बैठे भी हो ना आपसे लोग आके बात करने लग जाएंगे मोस्टली वहाँ की पॉपुलेशन जो है ना टू इज़ टू वन का रेशियो है लड़कियाँ ज़्यादा हैं अच्छा लड़कियाँ ज़्यादा हैं लड़कियाँ ऐसे अप्रोचेबल हैं वहाँ पर बहुत बात पार्टी में आप बात करो तो बात कर लेती हैं या फिर बहुत ईजीली लड़कियां आपसे अच्छा। <laughs> अब तो, अब तो तो नहीं सकते घुस भी नहीं सकते, तो भी नहीं सकते की वैसे फ्लाइट के रेट हर जगह जहां भी जाओ यूरोप की तरफ भी जा रहा है कहीं भी जा रहे हो रेट बढ़े हुए उस चीज से ऐसे क्योंकि ऊपर से नहीं उड़ रही है वहां से फ्लाइट और फ्लाइट से मेरे को एक चीज याद आया आपने मेरे से क्वेश्चन अप किया था की हम लोग वहां से कैसे आए तो हुआ यह था कि तीन दिन का हमारे पास टाइम था जिसमें मेरे को नताशा के डॉक्यूमेंट बनाने थे इंडियन एम्बेसी ने वीज़ा तो हमें एक दिन में ही दे दिया था उसके बाद भी हमारे पास एक दिन का टाइम था उस टाइम क्योंकि कोविड भी चल रहा था उसकी रिपोर्ट्स चाहिए टेस्ट की मतलब वो सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करने थे तो हमारे पास एक दिन का टाइम था अपनी पैकिंग करने का एक दिन का टाइम था सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने का और एम्बेसी हमारे घर से काफ़ी दूर थी तो जाने आने में टाइम लगता था तो एक दिन का टाइम हमने उसके लिए सेट कर दिया था और इसी तीन दिन में हमें टिकट भी लेनी थी और वॉर का टाइम चल रहा है राइट एवरीबडी स्केट दैट वॉर इज़ गोइंग टू हैपन लाइक नेक्स्ट नेक्स्ट मोमेंट सबको पता लग गया है फिर उस टाइम पे क्या हुआ कि फ्लाइट्स ऑलमोस्ट कैंसल अच्छा हाँ ऑलमोस्ट कैंसल सारी मतलब मोस्ट ऑफ़ द एयरलाइंस उन्होंने क्या करा अपने फ्लाई अपने एयरक्राफ्ट वो यूक्रेन भेज ही नहीं रहे थे अच्छा। जिस वजह से फ्लाइट्स थी ही नहीं वहाँ पे एक यूक्रेन इंटरनेशनल की फ़्लाइट मिली मेरे को जो कि ट्रिपल प्राइस पे मिली इवन मोर देन ट्रिपल जो अगर उसका फेयर मान लो अगर फोर्टी फाइव थाउजेंड वन वे है तो उस टाइम पे वो मोर देन वन लैक थर्टी थाउजेंड था अच्छा तो हम आ, मतलब उस टाइम पे यही होता है कि हमें बस जान बचानी निकल है निकलना है तो वही था बस वहाँ से हमने सारा अरेंजमेंट किया घर को लॉक किया और छोड़ के सारा एक बैग में जो सामान लेके आ सकते थे वो हम लेके के आ गए तो अब क्या प्लान है भाई अब जैसे आप आ गए हो इंडिया तो वापस जाओगे या फिर आप यहीं रहोगे अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है क्योंकि अभी तो फ्लाइट्स ही नहीं है बट जब फ्लाइट्स खुलेंगी देन ऑब्वियसली मेरा प्लान है वहाँ जाने का क्योंकि मैंने वहाँ पर अपने एसेट्स बनाए हैं प्लेस देर आपका वहाँ पे घर घर है अच्छा हाँ अपार्टमेंट है तो वो ऐसे ही छोड़ना तो एक बेवकूफ़ी होगी है ना? तो मैं जाऊंगा वंस सिचुएशन विल बी काम देन जब हमें थोड़ा मतलब रिस्ट्रिक्शन हटेंगी फ्लाइट शुरू होंगी तो मेरा डेफिनेटली मेरा प्लान है जाने का और आपकी वाइफ जो है वो फैमिली के साथ इंडिया में एडजस्ट कर पा रही है <laughs> <कैसी ही नहीं? laughs> उसका एक्चुअली जब वो फर्स्ट टाइम एक्चुअली ये थोड़ा एक नेचुरली कहो कि जब वो फ़र्स्ट टाइम आई तो उसको पाँच दिन के लिए आना था मतलब उसको छुट्टी नहीं मिली तो पाँच दिन के लिए आई थोड़े दिन रही चली गई यहाँ पे हमारी सेरोमनी हुई मैरिज मतलब वेडिंग वगैरह सारी सेरोमनी देखी इट वॉज़ लाइक पार्टी एनवायरमेंट घर में पार्टी का मजा तो ही आता है हाँ तो सब लोग आते हैं पूछते हैं तो और जब देहरादून जैसे छोटे शहर में कोई फॉरनर आती है तो इट्स लाइक काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है तो फर्स्ट टाइम वो पाँच दिन के लिए आई फिर उसके बाद वो इसी तरह जो है ना तीन चार बार वो मेरे साथ आ चुकी है इंडिया उसके बाद अभी जब रिसेंटली जो वॉर शुरू हुई इसके लिए हम लोग आए थे वहाँ से सब कुछ हम छोड़ के ही आए परमानेंटली मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए जब तक वॉर है तब तक के लिए सब छोड़ दिया तो उस टाइम हो गया था एडजस्ट फिर जब आप लंबे टाइम तक रहे थे <laughs> मतलब बेदर जब, की प्रॉब्लम तो हो ही रही होगी हाँ मतलब मेरे को तो नहीं हुई बिकॉज मैं तो आप तो यहीं हो हाँ। तो मेरी वाइफ को हुई थी जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो उस टाइम सर्दियाँ थी फेबररी का महीना था तो ठीक चल रहा था फिर उसके बाद जैसे जैसे गर्मियाँ शुरू हुई तो थोड़ी प्रॉब्लम शुरू होनी हो गई फिर हम लोग मतलब इवन इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई कि शी वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल शी लॉस्ट मोर देन ट्वेल्व किलोग्राम्स बारह किलो से ज़्यादा उसने वेट लॉस किया एक हफ्ते के अंदर और यहाँ पे उसको मेडिसिन हम जो भी दे रहे हैं ना सूट नहीं हो रही है मेडिसिन अच्छी हैं डॉक्टर्स अच्छे हैं एवरीथिंग इज गोइंग गुड बट कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं आ रही बॉडी नहीं कर पा रही बिल्कुल भाई आप लॉन्ग डिस्टेंस मैनेज कैसे कर रहे हो अब पाँच दिन के लिए आए अब आप कह रहे हो जर्मनी में है फिलहाल लॉन्ग डिस्टेंस शादी कैसे चल रही है सही हो सही ऑनेस्टी है ट्रस्ट है और हम इंडियंस हैं तो हमारे अंदर ये फीलिंग कुछ ज़्यादा होती है हमें एक बार जिससे लगाव होता है हम उसको छोड़ नहीं सकते एक बार जो हमें भा जाए ना फिर भा जाता है फिर हम बह जाते हैं बिल्कुल <laughs> हम बह <भेह> जाते हैं और समय भाई मज़ा आया आपसे बात करके थैंक यू सो मच आप देहरादून से स्पेशली आए इस पॉडकास्ट के लिए एंड उम्मीद है लोगों को कुछ नया जानने का मौका मिला और क्योंकि हमारी ऑडियंस को ना कंट्री वाइज़ पॉडकास्ट बहुत पसंद है उन्हें पसंद है अलग अलग देशों के बारे में जानना तो आज उन्होंने यूक्रेन के बारे में समझा वहाँ का कल्चर और आई होप वॉर खत्म हो तो बड़ी प्यारी कंट्री लग रही है यूक्रेनों तो तो और 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 तो... ना हो जाए वरना यूक्रेन का आधा मजा तो खत्म है वहाँ चल लेंगे यूक्रेनियन ही बात करा देना फिर आपकी तो वहाँ पे होंगी भी कॉन्टेक्ट बढ़िया बढ़िया वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको

और इंडियन फूड भी इजीली अवेलेबल है हर जगह नहीं नहीं अच्छा इंडियन 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 फूड फूड है हाँ, हैं कुछ इंडियन रेस्टोरेंट हैं तो वहाँ पे आपको इंडियन फूड मिलता है उसके अलावा अच्छा वहाँ मिलता है हाँ अच्छा है मैं गया हूँ उधर या फिर हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव है हाँ नॉर्मल फूड से ज़्यादा ही आपको मिलेगा जो आप वहाँ पे खा रहे हो उससे ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव मिलेगा अदरवाइज़ वहाँ पे लोग वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन क्योंकि क्रिश्चियन कंट्री है मोर देन नाइन्टी परसेंट पॉपुलेशन वहाँ के क्रिश्चियन है और इसलिए वहाँ पे नॉन वेज बहुत ज़्यादा खाते हैं और वहाँ पे भाई वो रेंट का क्या रहता है अगर जैसे कोई रहने गया है तो रेंट का जैसे कोई स्टूडेंट ही है वो हॉस्टल में नहीं रह रहा कहीं और रह रहा है तो उसकी क्या अगर आपको थोड़ी नॉलेज है उसके बारे में सिंपली है वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ एप्स हैं ऐसी वहाँ पे भी ऐप्स हैं तो उन ऐप से आप ओनर को अप्रोच कर सकते हो उससे बात करके आप रेंट पे ले सकते हो कोई इतना डिफिकल्ट नहीं बहुत ईजी और वहाँ पे स्विगी जोमेटो जैसा भी कुछ है फूड ऑर्डरिंग है, है ग्लोवो है इस तरीके के काफ़ी सारे ऐप्स हैं और मोस्टली वो लोग बहुत फनी लगता है उनको देख के जब वो अपने ई ई स्कूटर होते हैं ना जो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर उस पर वो डिलीवरी करने जाते हैं <laughs> अच्छा और वहाँ टैक्सी वैक्सी में कौन सी गाड़ी चलती है भाई कॉमन प्ले उबर चलती है ऊबर में मतलब गाड़ी कौन सी

मतलब वो मैंने आपको बताया था ना जो मेरा बिजनेस था वहाँ पे और कार्स इंपोर्ट करने वाला तो वो मैं वहीं से लाया था तो वो पोलैंड इंपोर्टेड कार थी तो वो कितने की बड़ी आपको भाई वो एक मतलब टेन इयर ओल्ड कार थी अच्छा दस साल पुरानी दस साल पुरानी यहाँ भी वही मिलेगी दस ग्यारह लाख की मिल जाएगी पुरानी अच्छा क्योंकि वो पोलैंड से आती है ऑक्शन होता है उनका उसमें बिड करते हैं तो फिर लेके आते हैं और आपने बता रहे हो जैसे आपने घर ले रखा है वो कितने का पड़ा आपको वहाँ पे वो इंडिया के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो लगभग 88 -एट का 80 एट्टी फाइव टू एटी डॉक्यूमेंटेशन -एट. वगैरह सब मिला के टू बी एच के <laughs> मतलब एक सोसाइटी है नॉर्मल सी अच्छी भाई वहाँ पे आप चार पाँच साल से रह रहे हो इंडियन फेस्टिवल्स फेस्टिवल्स वगैरह करते हैं सेलिब्रेट इंडियन लोगों के साथ वहाँ पर मतलब इतने ज़्यादा इंडियंस मैं उनसे नहीं मिला हूँ क्योंकि हम लोग एक मैं जहाँ रहता था वहाँ पे कंप्लीटली सारे के सारे यूक्रेनियंस थे जिस सोसाइटी में था वहाँ पर कोई भी इंडियन नहीं था सारे यूक्रेनियंस थे इवन मैं मेरी वाइफ से जब बात करता था तो हम लोग इंग्लिश में ही बात करते थे क्योंकि उसको थोड़ी बहुत हिंदी आती है थोड़ी बहुत यूक्रेनियन मुझे अब बात नहीं हो पाती तो हम लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं तो फेस्टिवल का ये है कि मैं खुद अपने घर पे सेलिब्रेट करता था बट बाहर मैंने उन उन्हीं के फेस्टिवल देखे हैलोवीन हो गया उनका क्रिसमस हो गया न्यू ईयर हो गया क्रिसमस तो होता है हो हो तो, वो करते होंगे फिर बिल्कुल तो क्रिसमस में एक उनका सिटी सेंटर है जैसे हमारा ये कनाट प्लेस है ना इस टाइप का उनका सिटी सेंटर है जो कि एक बहुत बहुत बड़ा एरिया है उसको इतनी अच्छी तरह डेकोरेट करते हैं पूरी बहुत अच्छी डेकोरेशन होती है और बहुत एक क्राउड इकट्ठा हो जाता है सही भाई मजा आ गया काफी इंफॉर्मेशन हाँ। का मन भी यूक्रेन जाने का करते तो जा सकते, अभी तो मैं भी नहीं सकते <laughs> में वो नहीं नहीं हाँ, मेंस्ट <laughs> तो को खत्म करते हैं और आपको मजा आया तो लाइक कॉमेंट एंड शेयर आपके पास भी बहुत शानदार स्टोरी अलग अलग कंट्रीज की तो आप रियल हिट टॉक्स एंड रियल तो मिलते हैं आपको नए पॉडकास्ट में